नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। उत्तराखंड के हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण को हटाने के दौरान जो हिंसा हुई, उसके बाद पूरे देश में उत्तराखंड की चर्चा होने लगी है। वैसे उत्तराखंड की पहचान एक शांत प्रदेश के रूप में होती थी। यहाँ की मनमोहक पहाड़ियाँ, झील, झरने और खूबसूरत वातावरण टूरिस्टों को हमेशा अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से उत्तराखंड की चर्चा सिर्फ तेजी से बदल रही जनसंख्या, डेमोग्राफिक को लेकर हो रही है। उत्तराखंड को देवभूमि भी कहते हैं, लेकिन आज ये देवभूमि खतरे में है। दरअसल उत्तराखंड में बढ़ती मुस्लिम आबादी, लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे देश भर के हिंदूवादी संगठनों के माथे पर बल डाल दिए हैं। इसको लेकर हर तरफ भले ही चर्चा हो रही हो, लेकिन यहाँ का शासन प्रशासन तो जैसे चादर तानकर सो रहा है। प्रदेश की सीमाओं से लगे जिलों, नदी के किनारे रेलवे जमीनों पर मुस्लिम समुदाय ने कब्जा कर अपनी पूरी बस्ती बसा ली है। पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन करने वाले लोग शहरों में बस रहे हैं, तो वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग पहाड़ों में जाकर घरों, खेतों पे कब्जे कर रहे हैं। कब्जे के लिए मजार बना दी जा रही है। हालात बस से बदतर हैं, लेकिन धामी सरकार कुछ समय जोर शोर से अभियान चलाने का दावा कर शांत बैठ गई है, जबकि सरकारी जमीनों पर सबसे ज्यादा कब्जे हैं। पहले आपको बताते हैं प्रदेश के किन इलाकों में सरकारी जमीन पर सबसे ज्यादा कब्जा हो रहा है। उत्तराखंड में खासकर हिमाचल प्रदेश से लगते जिले देहरादून के विकास नगर, हरबतपुर, पछुबादून क्षेत्र में मुस्लिम आबादी पिछले कुछ समय से सबसे तेजी से बढ़ी है। आलम यह है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सरकारी जमीनों पर भी कब्जा कर रखा है, लेकिन इन्हें जिन जमीनों से हटाने की हिम्मत शासन प्रशासन में नहीं है, क्योंकि इन लोगों को सफेद पोश नेताओं की पावर प्राप्त है। धामी सरकार ने जांच कराई तो हकीकत सामने आई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर वही ढाक के तीन पात। हरबतपुरी यानी पछुबादून क्षेत्र में पिछले 15-16 सालों में मुस्लिम आबादी सबसे तेजी से बढ़ी है। खासकर आसन बैराज के आसपास यह आबादी अधिक है, जबकि चंद ईसाई परिवार भी यहाँ पर एक एजेंडे के तहत बसे हैं। देहरादून के पछुबादून की ओर जाते समय सहसपुर से मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र शुरू हो जाता है, जो हिमाचल बॉर्डर तक फैला हुआ है। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर, खुशालपुर, ढाकीरानी, शंकरपुर, जामनपुर, सेलाकोई सहित दूसरे क्षेत्रों में मुस्लिम समुदाय के लोग अवैध कब्जे कर बसे हुए हैं। ये लोग एक के बाद एक अपने संबंधियों को बुलाकर आसपास कब्जा कर लेते हैं और वहां ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि हिंदू परिवार को अपना आशियाना छोड़कर जाना पड़ता है। जमीन, जायदाद, घर छोड़कर जाने वाले हिंदू परिवारों के बच्चों का भविष्य अंधकारमय है, तो लड़कियों के साथ अनहोनी का डर इन क्षेत्रों में बसे हिंदू परिवारों के मन में हमेशा से ही रहता है। हालात ये है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने मुस्लिम आबादी को खुश करने के लिए मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाने तक की घोषणा कर दी थी। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने दो मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा मुस्लिम परिवार बसाए गए, मजार और मस्जिदों की भरमार हो गई और इसी आबादी के युवाओं को मस्जिदों से टारगेट तय कर बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार से काम करना है। मस्जिदों में गजबाए हिंद जमात से जुड़े युवाओं को तरजीह दी जाती है और उनकी रिपोर्ट देवबंद, दिल्ली, लखनऊ भेजी जाती है। हिंदू परिवारों को डराने धमकाने के एजेंडे के तहत इन क्षेत्रों में जोर शोर से काम हो रहा है। कांग्रेस द्वारा मुस्लिम समुदाय को अवैध कब्जों के लिए बढ़ावा देना का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तराखंड के हल्द्वानी, भनबूलपुरा, गफूर बस्ती का है, जहां अतिक्रमण हटाने के समय आया तो कांग्रेस के विधायक ने से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री तक उनके पक्ष में खड़े हो गए और सुप्रीम कोर्ट चले गए। यहां तक कि रेलवे की जमीन को भी मुस्लिम समुदाय की जमीन बताने में कसर नहीं छोड़ी। वहीं जंगलों और सड़क के किनारों पर मजार बनवाकर कब्जे करने का खेल भी जोर शोर से चल रहा है, जिसके खिलाफ हिंदू संगठनों ने खुद ही कार्रवाई करने का ऐलान किया है। हिंदू संगठनों के तेवर देखकर सरकार ने उन्हें शांत कराकर जांच करवाने की बात कही है। जांच हुई तो हकीकत सामने आई। सरकार ने अवैध कब्जों कर बनाई गई मजारों को हटवाया, लेकिन अब भी कई स्थानों पर मजार वैसी ही की वैसी हैं। फिर जहां तोड़ी गई वहां फिर से बना दी गई। देहरादून में ही सबसे बड़े दून अस्पताल के गेट के साथ ही बड़ी जगह घेर कर मजार बनाई गई है, जहाँ तीमरदार अपने मरीजों को जल्द स्वस्थ होने की दुआ मांगते हैं और चादर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पास ही स्थित गर्ल्स इंटर और पीजी कॉलेज की छात्राओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। इस तरह से यहाँ से लव जिहाद, काले धागे बांधने के नाम पर टोने टोटके करने का सिलसिला जोरदार तरीके से चल रहा है, लेकिन प्रशासन की नाक के नीचे चल रहे इस खेल को खत्म करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा रहा।
जबकि यहां से लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर एसएसपी ऑफिस, आईजी ऑफिस, कचहरी परिसर, डीएम ऑफिस है। लेकिन धर्म की आड़ में चल रहे लव जिहाद और लैंड जिहाद को रोकने की कोशिश तक नहीं की जा रही है। इसी तरह से लाल तप्पड़, पौड़ी, गढ़वाल, यमकेश्वर ब्लॉक में भी मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। पर्वतीय क्षेत्रों से लोग शिक्षा और रोजगार के लिए शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव के गांव खाली हो रहे हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोग वहां जाकर मजार मस्जिद बना रहे हैं और जमीनों पर कब्जे कर रहे हैं। जहां आबादी है वहां फेरी वाले बनकर लड़कियों को लव जिहाद के जाल में फंसा रहे हैं। कुछ दिन पहले भी एक नाबालिग को भगाने के लिए दो मुस्लिम युवक गांव पहुंच गए थे, लेकिन गांव वालों की सतर्कता से बच्ची को बचा लिया गया। हिंदू धर्म रक्षक स्वामी दर्शन भारतीय के अनुसार विकास नगर में इस समय लगभग 32,000 मुस्लिम वोटर हैं। ये तेजी से बड़ी संख्या दूसरे प्रदेशों से आई, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल के मुस्लिम भी शामिल है। हालात ये है कि उत्तराखंड के कुछ शहरों में तो बंगाली कॉलोनियां बसाई जा चुकी हैं, जहां कम से कम 50,000 बंगाली मुसलमान रहते हैं। उत्तरकाशी में भी लगभग 5,000 मुस्लिम वोटर हैं, जबकि कभी वहां 150 वोटर भी नहीं थे। इतना ही नहीं, आज के हालात में बद्रीनाथ में बड़ी संख्या में मुस्लिम बस गए हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहां से हटाया गया था। वहां भी हालात यह हो गए थे कि मुस्लिम समाज ने बद्रीनाथ मंदिर पर अपना दावा कर दिया था और मंदिर कमेटी से अपने लिए जगह मांगी थी। बद्रीनाथ को लेकर मौलाना अब्दुल लतीफ कासमी ने दावा किया था कि ये पहले सैकड़ों साल पहले बद्रीनाथ को बद्रुद्दीन शाह के नाम से जाना जाता था। अब वहाँ एक बार फिर से मुस्लिम समुदाय ने पैठ बनानी शुरू कर दी है, क्योंकि वहाँ पर ठीक से देखरेख नहीं हो रही है। हिंदू धर्म रक्षा संगठन के मुताबिक नवंबर साल 2000 में जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था तो मुस्लिम की आबादी केवल 1.5% थी, यानी साल 2011 की जनगणना में यह बढ़कर लगभग 14% हो गई और इस समय यह आबादी लगभग 18% तक पहुंच गई है। यदि यही स्थिति रही तो 5 से 10 वर्षों में उत्तराखंड मुस्लिम बहुल्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इनकी वजह से आज मानव तस्करी में उत्तराखंड का नाम सबसे ज़्यादा आगे आ रहा है। हम यहाँ मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं होने देंगे, यह धर्म का उद्गम स्थल है और हम इसके चौकीदार हैं, लेकिन इस समय चौकीदार थोड़ा कमज़ोर पड़ गए हैं, जिनका फायदा मुस्लिम समुदाय उठा रहा है। हम अपना अभियान एक बार फिर जोर शोर से शुरू करेंगे। तो वहीं हिंदू युवा वाहिनी से जुड़ी राधा सोमबाल धोनी ने मजारों के खिलाफ जोरदार अभियान छेड़ा हुआ है। वे जगह जगह जंगल की जमीनों पर मजार बनाकर अवैध कब्जों को उजागर कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको कई बार धमकियां भी मिल चुकी हैं। राधा सेमबाल लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सक्रिय हैं। वे कहती हैं कि किसी भी धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहती हैं, लेकिन अवैध कब्जे कर मजार बनाई जाएंगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड को मजार मुक्त करना ही उनका लक्ष्य है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्या न्यूज़ को भी फॉलो कर लेना। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।